हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द एमएस बेस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं एमएन एनआईटी इलाहाबाद की प्लेसमेंट के बारे में। जो एनआईटी इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको एमएन एनआईटी इलाहाबाद भी बोलते हैं। इसकी हम प्लेसमेंट करेंगे लास्ट ईयर की 2021 की फुल डिटेल में। 2022 की ऑफिशियल डेटा भी आया नहीं हुआ ऑफिशियल वेबसाइट पर। वैसे डिटेल तो प्लेसमेंट की है लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, इसलिए मैं लेकर नहीं आया हूँ। जब ऑफिशियली आ जाएगी तब मैं आपको लेकर आ जाऊँगा। तो अभी तो लेटेस्ट 2021 की ही है वेबसाइट पे, तो उसकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सभी ब्रांचेस की बताऊंगा, बीटेक की कितने स्टूडेंट्स थे और कितने प्लेस हो गए और क्या पैकेज एवरेज था, क्या हाईएस्ट पैकेज है, क्या प्लेसमेंट रेट था, बीटेक एमटेक एमएससी एमसीए जो भी है उसके अंदर सबके देखेंगे ब्रांच वाइज। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहली ब्रांच जो है बीटेक की वो है बायोटेक्नोलॉजी बीटेक की बता रहा हूँ मैं। बायोटेक्नोलॉजी में 24 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे जिसमें से 19 प्लेस हुए हैं 2021 की बता रहा हूँ मैं, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब प्लेसमेंट रेट जो है वो 79.17 है, मतलब अप्रोक्स 80% बच्चे प्लेस हुए हैं। एवरेज जो पैकेज है वो 7.38 लाख पर एनम का है एंड मैक्सिमम जो गया वो बायोटेक्नोलॉजी में वो 26 लाख पर एनम का था। ये सीटीसी है, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग। तो एमएनएनआईटी के बारे में इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ये वन ऑफ दी बेस्ट एनआईटीज़ के अंदर आता था और अभी भी आता है। कुछ लास्ट ईयर से इसकी रैंकिंग थोड़ी ऊपर नीचे ऊपर डाउन हो गई है क्योंकि प्लेसमेंट पैकेज मीडियम पैकेज इसी एनआईटी का रहता था लेकिन बच्चे कम प्लेस होते थे, थोड़े से प्लेसमेंट रेट डाउन हो गया था इसका। तो और एनआईआरएफ में भी इसकी रैंकिंग थोड़ी सी लो हो गई है लेकिन है बहुत ही अच्छा है, टॉप 10 एनआईटीज़ में है ही है। तो नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में 39 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे जिसमें से 27 प्लेस हुए हैं। जो प्लेसमेंट रेट है वो 69.23 है, मतलब अप्रोक्स 70% बच्चे प्लेस हो चुके हैं, जिसका जो एवरेज पैकेज है वो है 8.01 लाख पर एनम का है केमिकल इंजीनियरिंग में, और हाईएस्ट पैकेज 13.7 लाख पर एनम का है। मतलब कि ये बायोटेक्नोलॉजी से इसका बेटर है थोड़ा सा, हाईएस्ट पैकेज मैटर नहीं करता है, मेन होता है हमारा एवरेज पैकेज। तो अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ब्रांच जो कि सिविल इंजीनियरिंग, और सिविल इंजीनियरिंग इस टाइम सबसे लो चल रही है, इवन केमिकल इंजीनियरिंग से भी लो है इस बार, लेकिन है वैसे बहुत ही अच्छी ब्रांच। सिविल में 40 स्टूडेंट एलिजिबल थे जिसमें से 27 प्लेस हुए, तो देख सकते हैं थोड़ा सा, मतलब 39 था केमिकल में, इसमें 40 बच्चे हैं तो एक एक्स्ट्रा जो बच्चा है वो प्लेस नहीं हुआ है, बाकी प्लेस 27 दोनों में हुए हैं। 67.5% है इसकी प्लेसमेंट रेट, थोड़ा सा कम है केमिकल से, एंड इसका एवरेज सीटीसी है वो थोड़ा हाई गया हुआ है इन दोनों से, 10.55 लाख पर एनम का है और मैक्सिमम जो है वो 21.6 लाख पर एनम का, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जिसका आप सबको इंतजार रहता है और ये बेस्ट ब्रांच है, बेस्ट ऑब्वियसली बेस्ट ब्रांच सीएससी रहती है, और 171 स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर। सीएस में सीटें ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं और 164 प्लेस हुए हैं। तो यार अब ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होता कि 100% बच्चे प्लेस हो जाए, बच्चे भी ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई है। हायर स्टडीज़ के लिए भी जाते हैं और ऑफ कैंपस भी जाते हैं, प्लेस हो जाते हैं। और ना इसका जो प्लेसमेंट रेट गया है सीएस में 95.91% है, मतलब अप्रोक्स 96%। इसका जो एवरेज पैकेज वो बहुत ही कमाल का है, 19.08 लाख पर एनम का, ये लास्ट ईयर का है इसलिए थोड़ा सा कम लगेगा आपको अकॉर्डिंग टू अदर एनआईटीज़, लेकिन इस बार इसका 20 प्लस है, इस बार 2022 का, अगर अभी तक वेबसाइट आया नहीं है मैं आपको बता देता हूँ, 20 प्लस ही रहेगी 2022 में, लेकिन 21 में थोड़ी सी कम है, 19.08 जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हाईएस्ट पैकेज जो है वो है 51.75 लाख पर एनम का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 52 लाख पर एनम का है। अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें है 69 बच्चे और 56 प्लेस हो गए हैं, तो प्लेसमेंट रेट अच्छी है इलेक्ट्रिकल में, 81.16 है अप्रोक्स 81% बोल सकते हैं हम इसको। इसमें 8.93 लाख का एवरेज पैकेज है, इवन सिविल इंजीनियरिंग से भी कम है इसका एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज इसका 32.16 है, मतलब 32 लाख पर एनम, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, ईसीई की। ये एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है, सेकंड थर्ड बेस्ट ब्रांच रहती है ये कॉलेज के अंदर। इसमें 130 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 123 प्लेस हुए हैं, अप्रोक्स 94.62% प्लेसमेंट रेट है, अप्रोक्स 95% बोल सकते हैं। एवरेज पैकेज इसका 12.43 लाख पर एनम का है और हाईएस्ट पैकेज इसका 51.75 लाख पर एनम का है, मतलब कि 51 लाख का ऑफर एक बच्चे को नहीं कई बच्चों को आया हुआ है, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे ने भी पैकेज ये प्लेस हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी ईसीई के, 51.75 का, बहुत ही कमाल का प्लेसमेंट है। नेक्स्ट है आईटी, सेकंड बेस्ट ब्रांच बोल सकते हैं हम इसको, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इस एनआईटी इलाहाबाद में, और मोस्टली सभी एनआईटीज़ में देखने को नहीं मिलता है आईटी ब्रांच। 95 बच्चे हैं इसके अंदर, 91 प्लेस हुए हैं, ओनली 4 नहीं हुए।
हम आईटी की बात कर रहे थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में 91 बच्चे प्लेस हो गए थे 95 में। इसका जो प्लेसमेंट रेट है वो 95.79 अप्रोक्स 96%, जो कि सीएस जैसा है बिल्कुल। और इसके अंदर जो एवरेज पैकेज है वो 17.97 लाख पर एनम का है, मतलब कि अप्रोक्स 18 लाख पर एनम का इसका एवरेज पैकेज है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। और इसका हाईएस्ट पैकेज इसमें भी अगेन 51.75 लाख पर एनम का है, मतलब अप्रोक्स 52 लाख का इसके इस आईटी ब्रांच से भी बच्चे प्लेस हुए हैं उस टॉप पैकेज में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जो कि बहुत ही अच्छी ब्रांच मानी जाती है इस कॉलेज के अंदर। देखते हैं हम क्या है इसके अंदर प्लेसमेंट। तो 104 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 88 बच्चे स्टूडेंट जो है वो प्लेस हुए हैं। 84.62% प्लेसमेंट रेट है, जो कि बहुत ही अच्छा है ये। और एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम है 8.53 लाख पर एनम, और हाईएस्ट पैकेज इसका 32.47 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैकेनिकल होने के बाद भी सीएस जैसा इसका हाईएस्ट पैकेज गया है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर 33 स्टूडेंट्स हैं, 19 प्लेस हुए हैं, 57.58% प्लेसमेंट रेट है। इसका एवरेज पैकेज 7.29 है और हाईएस्ट जो है वो 21.6 लाख पर एनम का है। तो अब हम बात करते हैं कि किस ब्रांच, अभी मैं बताऊंगा पूरी डिटेल में, जाना मत। और जो बीटेक वाले हैं वो भी पूरी देख सकते हैं, एमटेक आखिर जानने में क्या नॉलेज थोड़ा सा और हो जाएगा वीडियो लॉन्ग। तो एवरेज पैकेज सबसे हाईएस्ट अगर किसी का गया है तो वो सीएस का गया हुआ है 19 लाख का, उसके बाद आईटी का गया है 18 का। टॉप थ्री की बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का है 12.43 का, और एवरेज की बता रहा हूँ टॉप थ्री में। अब हम हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं, सबसे ऊपर जो तीन के ही गए हैं, सीएस में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और आईटी में भी 51.75 लाख पर एनम का। अब हम बात कर लेते हैं एमटेक की प्लेसमेंट। एमटेक की प्लेसमेंट इसमें ब्रांच वाइज नहीं दी हुई है। एमटेक में 387 स्टूडेंट है जिसमें 98 प्लेस हुए हैं, 25.06% प्लेसमेंट रेट है, और इसका एवरेज पैकेज 11.49 है, मतलब कि अप्रोक्स 11.49 है लैक्स पर एनम का एवरेज पैकेज, और हाईएस्ट 30.96 का है। तो एवरेज पैकेज बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ब्रांचेस सभी होती हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं एमसीए की। एमसीए की बात करते हैं, एमसीए के अंदर 86 में 60 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, सीटें ज़्यादा है एमसीए में, प्लेसमेंट रेट भी अच्छी है, अप्रोक्स 69.77% बच्चे प्लेस हुए हैं, मतलब 70%। इसका जो एवरेज पैकेज है वो 10.13 का है, और हाईएस्ट 35 लाख पर एनम का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम एमबीए की बात करते हैं इसके अंदर। मैं तो पहले से बता तो आया हूँ कि एनआईटीज के अंदर एमबीए से अच्छा एमसीए कर सकते हैं। एमबीए इसके अंदर 30 स्टूडेंट्स है, 21 प्लेस हुए हैं, 70% प्लेसमेंट रेट है। अब देख सकते हैं प्लेसमेंट रेट एमसीए जैसी है, दोनों की 70 है, लेकिन एवरेज पैकेज में देख सकते हैं एमसीए का 10.13 था और एमबीए का 5.09 है, हाफ है बिल्कुल एमसीए का। और हाईएस्ट पैकेज 35 था एमसीए में, और एमबीए में 8.46 है, तो बहुत ही ज़्यादा गैप है, ये डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं एमएससी का। तो एमएससी में प्लेसमेंट नहीं हुई है, शायद नहीं हुई है, क्योंकि इसके अंदर एनए लिखा है नॉट एप्लीकेबल, 18 स्टूडेंट्स थे। तो ये हमारी एनआईटी एमएनएनआईटी इलाहाबाद की प्लेसमेंट डिटेल्स थी 2022 की, जल्द ही लेकर आऊँगा आपके सामने। और अदर एनआईटीज आईआईटीज की प्लेसमेंट वीडियो आपको वीडियोज़ जो है वो लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। इंस्टा की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं हो तो, और लाइक करो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।